प्रणाम, डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। 30 जनवरी 2021, एक साल पहले एग्जैक्टली 30 जनवरी 2020 को भारत में कोविड का पहला केस पाया गया था केरला में। आज इस बात को एक साल हो गया है। पिछले एक साल में कोविड की वजह से क्या क्या हुआ, करंटली सिचुएशन क्या है और आगे कोविड के संदर्भ में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वीडियो इसी के बारे में है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबसाइट मैं सभी को बताना चाहूँगा जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन की है, जिसका नाम है www.nationalcovidmemorial.in। ये वेबसाइट में पिछले एक साल में भारत में जिन जिन लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई है, ये उनके लिए श्रद्धांजलि है। उनकी डिटेल, उनके फोटोग्राफ्स इस वेबसाइट में आपको मिलेंगे। अगर आपके किसी परिजन ने, किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने कोविड में जान गंवाई है, तो आप उनके लिए भी श्रद्धांजलि इस वेबसाइट में दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि एज ए डॉक्टर मुझे याद है जब शुरुआत में कोविड में लोगों को एडमिट किया जाता था और कई लोग सीरियस होते थे या आईसीयू में कोविड के सामने जो बाकी के रिलेटिव्स थे उनको आने की परमिशन नहीं मिलती थी, फैमिली मेंबर्स को मिलने की परमिशन नहीं थी और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है अकेले में विदाउट एनी फैमिली मेंबर। और वो टाइम बहुत ही कठिन था। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि परिजन को मिलने की उनको परमिशन नहीं मिली थी और मौका भी नहीं मिला था। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी श्रद्धांजलि उन सभी लोगों को दे सकोगे जिन्होंने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई है। पहला केस केरला में कोविड का मिला, उसके बाद क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट ने फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दिए। लोगों को, जो इंटरनेशनल फ्लायर्स थे जो इंडिया में आ रहे थे, उनको हाथ में स्टैंप लगा के होम आइसोलेशन की सलाह देनी शुरू हो गई थी और क्वारंटीन की भी एडवाइस देने की शुरू हो गई थी। लेकिन ये सब इनफ नहीं था। मार्च आते आते समझ में आया कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जो काफ़ी महीनों तक चला। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी, डोमेस्टिक ट्रैवल भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया था और सब बॉर्डर्स सील की गई थी। ये सब करने के बावजूद सितंबर महीना आते आते इंडिया के कोविड केसेस काफ़ी बढ़ गए थे और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। सितंबर महीने में एवरेज रोज़ के 80 से 90 हज़ार कोविड के केसेस आ रहे थे और इनमें से रोज़ के 1000 से 1200 लोगों की मौत हो रही थी कोविड की वजह से। और यही चलता रहा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बहुत कोविड के केसेस इंडिया में कम होना शुरू हुए और अब जनवरी 2021 में करंट सिचुएशन ये है कि अब तक पिछले एक साल में 1,07,00,000 कोविड केस इंडिया में रजिस्टर हुए हैं। तो ये 1,07,00,000 पेशेंट में से 1,04,00,000 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं ऑलरेडी। फिलहाल करंटली 1,75,000 एक्टिव केसेस इंडिया में है और इसमें से 67% केसेस, मतलब आधे से भी ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र और केरला में हैं। अनफॉर्चुनेटली 1,50,000 के करीब लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो ये जो आंकड़े हैं करंटली, ये हमें कोविड का करंट सिचुएशन बताते हैं। लेकिन अगर करंट सिचुएशन बाकी के देशों में आप देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में बाकी के देशों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बड़ी कंट्रीज़ जैसे इंग्लैंड है, यूएस है, वो अभी भी डेली कोविड केसेस से जूझ रहे हैं। इंडिया में आज की तारीख में भी रोज़ के 11,000 से 12,000 कोविड के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और 150 से 200
कोविड की वजह से डेथ भी हो रही है, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में बाकी सब जो कंट्री है जैसे यूएस, यूएस में आज की तारीख में जनवरी 2021 में रोज के 4000 अंदाज कोविड डेथ हो रहे हैं। यूके में कंप्लीट लॉकडाउन है, यूरोप के काफ़ी अलग अलग कंट्रीज है जिसमें अभी भी कंप्लीट लॉकडाउन है, लोगों को बाहर जाना मना है। वहाँ के कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, जबकि जनवरी 2021 में इंडिया में करंटली कोविड का कर्व नीचे आ रहा है, कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में मार्केट्स वगैरह खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल, ट्रेन, बसेस शुरू हो गए हैं, बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं। तो ये सब देख के करंट सिचुएशन काफ़ी अच्छी लग रही है इंडिया में। उसी के साथ कुछ दिनों पहले इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। दो वैक्सीन जो फिलहाल लोगों को लग रहे हैं वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसमें भी इंडिया ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। इनफैक्ट जो पहले 1,000,000 वैक्सीन इंडिया में लगाए गए वो सिर्फ 6 दिन में लगाए गए। यही पहले 1,000,000 वैक्सीन लगाने के लिए यूएस और यूके जैसी कंट्री को 10-12 दिन से भी ज़्यादा दिन लग गए थे। तो जिस तेज़ी से इंडिया में लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है फिलहाल, वो भी एक बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट आज की तारीख 30 जनवरी 2021 तक 30,00,000 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन ऑलरेडी दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि अगले कुछ महीनों में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन फ्री में दिया जाएगा। तो ये है करंट सिचुएशन कोविड का। तो अब आगे इंडिया में कोविड का क्या होगा, क्या है फ्यूचर अगले कुछ महीनों में कोविड के बारे में। पहले तो कुछ बुरी खबर ये है कि जो कोविड का वायरस है वो कई अलग अलग देशों में अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है, और जो रिसर्चर्स है उन्होंने कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स मतलब अलग अलग टाइप के कोविड के वायरस ढूंढे हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा चिंताजनक एक है वो है अफ्रीकन वेरिएंट। साउथ अफ्रीका में पाया गया जो कोविड का वायरस है वो थोड़ा डेंजरस है, जो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। उसके पहले भी एक वायरस का अलग रूप आया था जिसे हम यूके वेरिएंट बोलते थे, जो लंदन में पाया गया था, वो भी काफ़ी जल्दी से फैल रहा था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि जो वैक्सीन्स अलग अलग बन रहे हैं वो वैक्सीन्स का इन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और यूके वेरिएंट पे भी उसका ट्रायल हो रहा है। और फिलहाल न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि यूके वेरिएंट पे तो वैक्सीन्स के ज़्यादातर असर हो रही है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत है और जो वैक्सीन है वो उतना कारगर उस पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम फेल जा रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीन का असर साउथ अफ्रीकन कोविड पे होना चाहिए वो उतना एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है। तो ये एक चिंता का विषय है। तो उसका आगे उपाय क्या होगा, घबराने की बात ये नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है या तो दूसरे जो वेरिएंट है उसके खिलाफ काम करने वाले वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो कोविड का जो वैक्सीन है वो हर 6 महीने या हर साल पे कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती रहेगी, जिससे अगले वेरिएंट से भी उसे हम बचा सकें। तो अगले कुछ महीनों में हमें आइडिया आ जाएगा कि कोविड का वैक्सीन बाकी वेरिएंट पे कितना असर कर रहा है। फिलहाल जो वैक्सीन्स यूज़ में है वो अमेरिका में जो मॉडर्ना का वैक्सीन है, इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, अमेरिका में दूसरा एक फाइजर का भी वैक्सीन है, तो और रशिया में स्पुटनिक वैक्सीन है और चाइना का भी एक वैक्सीन है। तो ये जो वैक्सीन है ऑलरेडी पूरी दुनिया में लोगों को दिए जा रहे हैं। कुछ और वैक्सीन है जो पाइपलाइन में है जिसके ऑलरेडी रिजल्ट्स थोड़े बहुत बाहर आ गए हैं। उसमें से 3 बड़े वैक्सीन है जिसको एक्सपेक्टेड है इंडिया में आने का। उसमें से सबसे पहला है नोवावैक्स। नोवावैक्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और अच्छी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड बनाया है वही कंपनी नोवावैक्स भी बनाने वाली है। तो कुछ ही महीनों में नोवावैक्स भी इंडियन पब्लिक को अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इंडिया की एक कंपनी है जिन्होंने स्पुटनिक वी जो रशिया का वैक्सीन है उसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है।
जो स्पटनिक वी है ऑलरेडी रशिया में लोगों को दिया जा रहा है, जिसके फेज 3 ट्रायल्स इंडिया में चल रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द इंडियन पब्लिक को मिलने की शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन करके एक कंपनी है जिन्होंने सिंगल डोज वैक्सीन बनाया है, मतलब एक ही इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है जिससे आपको कोविड से बचा सकते हैं। तो ये जो सिंगल डोज वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन का, वो भी अपने फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल में है और कुछ ही महीनों में उसे भी अप्रूवल मिल जाएगा। एक अच्छी बात ये तीनों वैक्सीन की ये है कि ये तीनों वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में मतलब 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रख सकते हैं, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। जो मॉडर्ना का वैक्सीन है और फाइजर का वैक्सीन है जो US में यूज़ हो रहा है, उसे -70 और -20 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी फैसिलिटी शायद इंडिया में होना मुश्किल है। तो आगे जाके हमारा जो वैक्सीन का आर्सेनल है, वैक्सीन के ऑप्शंस है, वो बढ़ने वाले हैं, और जैसे ही वैक्सीन के ऑप्शन बढ़ेंगे वैक्सीन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और मेरी आशा है, मेरा अंदाज़ा है कि अगले कुछ महीनों में, अंदाज से मार्च या अप्रैल महीने तक, जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंडियन पब्लिक के लिए रहेगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। शायद प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में भी आपको वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके पैरेलल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि पहले 30 करोड़ भारतीयों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेंटर्स में वैक्सीन मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है। तो आप गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अगले कुछ महीनों में वैक्सीन मिलेगा और ऑप्शनल मिलेगा। सो आप प्राइवेट में भी ले सकते हो खुद का खर्चा करके, या तो गवर्नमेंट में रजिस्टर करा के भी ले सकते हो। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि कोविन ऐप जो बनाया है वो आगे जाके जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन होगा। तो आप अगर अपने घर के बड़े बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को रजिस्टर करवाना चाहते हो वैक्सीनेशन के लिए, तो कोविन ऐप बहुत ही जल्द जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपना नाम लिखा सकते हो। तो ये है अगले कुछ महीनों की भविष्यवाणी या अंदाज़ा बता सकता हूँ मैं मेरी तरफ से। देखते हैं आगे 3-4 महीनों में क्या कोविड में हमें नई न्यूज़ मिलती है। तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आपका सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।